इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन की, जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एग्जांपल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इन सीटू या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो देखिए, हम इसे ईजी वे में याद करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ये एक पेंगुइन है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि ऐसे स्थान पर है जहाँ पर बर्फ़ रहती है और पहाड़ रहते हैं, तो ये वहाँ पर है। अगर हम इसे यहीं पर कंजर्व या फिर बंद कर दें किसी पिंजरे में या फिर किसी बाउंड्री में, तो हम इसे कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, यानी किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व कर देना कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। और यदि हम इसे यहाँ से निकाल कर कहीं और जगह किसी पिंजरे में या फिर किसी बाउंड्री में बंद कर दें, तो उसे हम कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखिए, पहले है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें कि एनसीईआरटी में इसके चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए, इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक है होट सुंदरबन। तो होट से हॉट स्पॉट्स जो कि हैं 34, सुंदर से सेक्रेट ग्रुप्स एंड सेंचुरीज जो कि हैं 448, बन से मतलब बन के बी से बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि हैं 14, एन से नेशनल पार्क जो कि हैं 90। तो आपको याद रखना है हॉट सुंदरबन, हॉट स्पॉट्स, सेक्रेट ग्रुप्स एंड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स। साथ में आपको इनके नंबर्स भी याद रखने हैं कि कितने होते हैं, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है एक्स सी टू कंजर्वेशन। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है सफारी कार से बैंक जाओ। तो सफारी से वाइल्ड लाइफ सफारी, कार से क्रायो प्रिजर्वेशन, और इसके बाद बैंक, जितने भी बैंक हैं पोलन बैंक, सीड बैंक, सभी एक्स सी टू कंजर्वेशन में आते हैं। एंड जाओ से है जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटानिकल गार्डन्स, तो ये सभी एक्स सी टू कंजर्वेशन में आते हैं। तो इस तरह आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।